अबुल कलाम का ये एक्सरे हम देख रहे हैं बिफोर सर्जरी, तो इसमें आप देखेंगे कि इनकी ऑलरेडी पहले 4 सर्जरी हो चुकी हैं। पहला हिप रिप्लेसमेंट 92 में हुआ था, फिर 2008, फिर 2008 में दोबारा से सर्जरी, तो टोटल इनकी 4 सर्जरी हो चुकी हैं एंड नाउ हिज एज इज 72। बांग्लादेश से हमारे पास आए हैं और ये इनकी प्रेजेंट कंडीशन है। तो इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं देखने की। ये जो कप है, जो सीमेंटेड कप लगा हुआ है, ये 92 में डला था, यानी कि 30 साल से ये कप यहीं पर है। और ये उस टाइम पर कप आते थे जिसमें सीमेंटेड कप में भी स्क्रू लगाए जाते थे। ये बड़ा डिफरेंट टाइप का कप है। जब इनकी 2008 में रिवीजन हुई तो ये कप निकाल नहीं पाए थे वो, तो उन्होंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया था। और ये मल्टीपल सर्जरीज हुई हैं। तो इसमें एक इंटरेस्टिंग बात देखने की है कि सीमेंट है ये, यहाँ से ये बोन नहीं है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक, जहाँ डॉट आपको दिख रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सीमेंट है। सीमेंट का मतलब होता है कि बोन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। जब आप रिवीजन करने जाएंगे तो आप ये मान के चलिए कि यहाँ तक कोई बोन नहीं है। ये पूरा सीमेंट जब हमने निकाला अंदर जाकर, ये सारी प्लेट हटाई और ये स्क्रू वगैरह जो लगे हुए हैं, वायर लगे हुए हैं, ये बहुत ही मैं कहूँगा कि एक ऐसी कंस्ट्रक्शन है जिसको फेल होना ही था। क्योंकि जब आप एक सीमेंटेड इम्प्लांट डालते हैं रिविज़न के टाइम पर, तो वो 100% फेलियर होता है। सीमेंटेड तो प्राइमरी यानी कि फर्स्ट टाइम सर्जरी में भी नहीं डालना चाहिए, लेकिन जब आप रिवीजन में एक सीमेंट से इस तरह से चिपकाने की कोशिश करते हैं इम्प्लांट को, दे आर बाउंड टू फेल। अगर दूसरे व्यू में देखें तो आप देखेंगे कि हेड और सॉकेट का कोई कनेक्शन ही नहीं है, बहुत दूर है ये, इट इज़ टोटली अनस्टेबल। और हमारे पास अब सिर्फ इतनी बोन बची है, अब हमें इस 4 इंच की बोन में ही सब कुछ करना है। आमतौर पर जब इतनी बोन बचती है तो इसमें हिप रिप्लेसमेंट नहीं किया जाता, इसमें किया जाता है टोटल फीमर रिप्लेसमेंट, बट दैट इज़ ए मैसिव सर्जरी। वन सेकेंड, उसमें हमें नी भी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, यानी नी भी आर्टिफिशियल लगाना पड़ेगा, नी रिप्लेसमेंट भी करनी पड़ेगी। बट अबुल कलाम का नी बिल्कुल ठीक है, हम इसको बिल्कुल टच नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि इनका नी बिल्कुल नेचुरल रहे और हमें, हमारे पास कुछ ओरिजिनल बोन भी बचनी चाहिए। तो जब हम अंदर गए तो यहाँ पर कुछ छोटे छोटे टुकड़े थे बोन के, और यहाँ से नीचे इंटैक्ट बोन, हमारे पास 4 इंच की बोन बची हुई थी। तो इसमें चैलेंज ये था कि हमें एक ऐसा इम्प्लांट चाहिए था जो नॉन सीमेंटेड भी हो और जो इतनी सी बोन में भी ग्रिप कर ले। तो इसका एक स्पेशल इम्प्लांट हमने मंगाया था, तो ये आपको दिखाते हैं सारी चीज़ें। ये रिविजन सर्जरी के बाद का है, रिविजन सर्जरी के बाद का है। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ क्या हुई कि 30 साल के बाद जब हमने एक कप निकाला, और वो भी सीमेंटेड कप, तो भी हम एक ऐसी अच्छी सॉलिड कैविटी क्रिएट कर पाए कि हमें रिवीजन कप जो नॉन सीमेंटेड हमने डाला है, इसमें स्क्रू डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसका रीज़न ये था कि अबुल कलाम हमेशा चलते रहे हैं, इनकी बोन क्वालिटी ठीक है, तो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। ये सारी सीमेंट हमने, ये जो यहाँ तक सीमेंट थी, ये सारी निकाल दी है। और आप देखेंगे कि बहुत नीचे जाकर हमें कुछ बोन के टुकड़े मिले हैं। अब मैं आपको नीचे तक का एक्सरे दिखाता हूँ। ये है इनका नीचे का एक्सरे। तो आप देखेंगे कि हमारे पास ये सिर्फ इतनी ही इंटैक्ट बोन थी। ये जो बाकी आप देख रहे हैं, छोटे छोटे बोन के टुकड़े हैं जो वहाँ पर पड़े थे, जिनको हमने एक साथ एक बोन ग्राफ्ट की तरह यूज़ किया है, और अब हमें यहाँ तक बोन मिल गई है। सबसे अच्छी बात क्या है कि जो इम्प्लांट है वो नॉन सीमेंटेड है, तो इट विल अलाउ द बोन टू ग्रो ऑन इट। तो ये जितने भी आपको छोटे छोटे टुकड़े दिख रहे हैं, जब 6 महीने या 1 साल के बाद एक्सरे करेंगे तो आपको यहाँ तक सॉलिड बोन मिलेगी। और ये स्टेम हमने जितना मैक्सिमम नी के पास जा सकते थे वहाँ तक गए हैं। यहाँ पर हमारी ग्रिप है, वायर से हमने इसको पूरा अच्छे से टाई कर दिया है, तो ये बोन अब हमारे पास एक तरह से बन गई है पूरी। और ये इसमें जो सेगमेंट देख रहे हैं, ये हम लेंथ अपनी मर्जी से इस लेंथ को बढ़ा सकते हैं। तो ये बेसिकली मॉड्यूलर स्टेम है, यानी कि इसमें एक टुकड़ा ये है, एक टुकड़ा ये है और एक ये है। तो इन तीनों की एडजस्टमेंट हम इस तरह से कर सकते हैं कि इसकी लेंथ जितना भी हम बढ़ाना चाहें उतनी बढ़ा सकते हैं। तो जब हमें बहुत बड़ा स्टेम डालना होता है, जिसमें हमें लेंथ ड्यूरिंग सर्जरी डिसाइड करनी होती है, तो उसमें मॉड्यूलर स्टेम यूज़ करते हैं, यानी कि उसके अलग अलग पार्ट होते हैं। ये पार्ट है जो नीचे फेमोरल शाफ्ट में जाते हैं, और ये पार्ट है जो ट्रोकेंट्रिक एरिया में रहता है, और ये नेक होती है। इसमें लेंथ कितनी बढ़ानी है, अगर हम इसको पूरा अंदर डाल देंगे तो लेंथ बहुत छोटी हो जाएगी। अगर हमें लेंथ ऐसे बढ़ानी है तो उसके अंदर हमें ये सेगमेंट डालना पड़ता है। डालिए पर, तो ये डिफरेंट लेंथ है, हमारे पास पूरी वेरिएबिलिटी है, पूरी वेरिएबिलिटी है, इतनी लेंथ बढ़ा सकते हैं, इतनी बढ़ा सकते हैं जी। तो इसको हम इसके अंदर डालते हैं,
ये दो सेगमेंट हमने डाल दिए तो हमारी लेंथ इतनी बढ़ जाएगी। तो अब आप देखिए ये इतनी लेंथ बढ़ गई है, तो ये अब हो गया है 385 हो गया। ऑल राइट, चलो और इस बोल्ट से हम इसको टाइट करें। तो एक तरह से हमारे पास बहुत लंबा स्टेम बन गया, तो इसकी लेंथ हम अपने चॉइस के अकॉर्डिंग, पेशेंट की लेंथ के अकॉर्डिंगली वेरी कर सकते हैं, इसलिए मॉड्यूलर स्टेम यूज़ करते हैं। आमतौर पर हम मोनोब्लॉक यानी कि सिंगल पीस स्टेम यूज़ करते हैं, लेकिन जब रिविजन सर्जरीज होती हैं और हमें एग्जैक्टली पता नहीं होता कि विच स्टेम सूट्स द बेस्ट, तो उस टाइम पे फिर हम ये मॉड्यूलर स्टेम बनाते हैं। तो इसको ऑन द टेबल हम अपने टाइप कर देंगे, हाँ, तो ऑन द टेबल हम इसको बनाते हैं। एक मिनट, तो अबुल कलाम की हमने लेंथ भी वापस दे दी है, इम्प्लांट भी नॉन सीमेंटली यूज़ किया है और नेचुरल बोन को ग्रो करने का मौका भी दिया है। तो अब ये 72 के हैं, तो अब इनको दोबारा कभी सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। तो ये इम्प्लांट अब कहीं नहीं जाने वाला, अब ये नॉर्मल चलेंगे। हालांकि फर्स्ट 3 to 6 मंथ हमें वेट करना होगा जब तक बोन स्ट्रांग नहीं होती है, उसके बाद हम इनको नॉर्मल वॉकिंग शुरू कराएंगे। अभी नी ब्रेस के साथ चल रहे हैं, वॉकर के साथ चल रहे हैं, 6 महीने के बाद ही कैन वॉक नॉर्मली, और 1 साल के आते आते ये ज़मीन पर भी बैठ पाएंगे, चौकड़ी भी लगा पाएंगे और नमाज भी पढ़ पाएंगे। तो फोर्थ रिवीजन में जब चौथी और पांचवी बार आप सर्जरी करते हैं, तो जनरली बोन स्टॉक बहुत लिमिटेड होता है और उसमें आइडियल रिजल्ट देना, परफेक्ट रिजल्ट देना बहुत मुश्किल काम होता है। तो दीज रिवीजन्स आर डन ओनली एट द सेंटर्स जहां पर रूटीनली कॉम्प्लिकेटेड हिप सर्जरीज होती हैं। तो अगर आपके भी किसी पेशेंट को, किसी दोस्त को, किसी रिश्तेदार को इस तरह की प्रॉब्लम है, तो आप प्लीज़ आप उनकी रिपोर्ट्स और एक्सरे शेयर करें। हम आपको गाइड करेंगे कि हम किसी भी स्टेज पर जाकर हिप को फिर से बचा सकते हैं, फिर से नया बिल्डअप कर सकते हैं, ताकि एक लॉन्ग लास्टिंग इम्प्लांट मिले और पेशेंट को एक नॉर्मल लाइफ जीने का मौका मिले। थैंक यू वेरी मच।